रायगढ़ कोरबा और सरगुजा जिले के सरहद की पहाड़ियों पर 2 रात 3 दिन का साहसिक ट्रेकिंग अभियान सफलतापूर्वक संपन्न कर सभी ट्रेकर्स वापस लौट आए हैं और छात्रों में इस अभियान को लेकर नया जोश जुनून देखने को मिला, जहां छात्रों ने आयोजित संस्था ग्रामीण पर्यावरण विकास अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर DS मालिया और संस्थान के सदस्यों के नेतृत्व और मार्गदर्शन में रायगढ़ जिले के पोरिया गाँव से ट्रेकिंग शुरू कर सलहारी वाटरफॉल होते हुए कोरबा जिले के मालिक छार पहुंचे। वहां भोजन उपरांत सरगुजा जिले के लाम पहाड़ 3300 फुट पर चढ़ाई कर रात्रि वहीं बॉनफायर कर टेंट में विश्राम किया। दूसरे दिन सरगुजा जिले के लाम पहाड़ से ट्रैकिंग शुरू कर सरगुजा और रायगढ़ जिले के सरहद पर स्थित प्राचीन शिव धाम खामखुट का दर्शन करते हुए खोह पानी पहाड़ी कोरवाओं के संस्कृति रहन सहन खान पान का अध्ययन किया और सर्वोच्च पहाड़ी चोटीगोर पहाड़ पर चढ़ाई कर चाप कछार के बड़ाई पाट का अध्ययन किया। छात्रों का यह ट्रैकिंग अभियान कुल 39 किलोमीटर का रहा, जहां छात्रों को रोमांचक अनुभव रहा। इस अभियान में नगर के 4 हायर सेकेंडरी स्कूल के 20 छात्रों का चयन किया गया था और 5 ट्रेकर्स सहित कुल 30 लोग इस अभियान में शामिल हुए। इस साहसिक ट्रेकिंग अभियान का आयोजन ग्रामीण पर्यावरण विकास अनुसंधान संस्थान द्वारा वनमंडल धर्मजयगढ़, ग्राम पंचायत नेवार और किंथा के सहयोग से किया गया था। आयोजन में संस्थान के प्रमोद चंदेल, गुलाब पटेल एवं विजय शर्मा सहित पंचायत सचिव ब्रजलाल बेगा एवं दोनों पंचायत के सरपंच, उप सरपंच पोथिया के वन रक्षक मनोज एक्का की उपस्थित रही व पूरे ट्रेकिंग में साथ चले। इस ट्रेकिंग अभियान को धर्मजयगढ़ SDM डिगेश पटेल व वनमंडल धर्मजयगढ़ के DFO अभिषेक जोगावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस अवसर पर वनमंडल धर्मजयगढ़ उपवन मंडल अधिकारी बाल गोविंद साहू व अन्य कर्मचारियों की उपस्थित रही। वनमंडल अधिकारी ने ट्रैकिंग अभियान की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के आयोजन और किए जाएंगे।